Hey, what is up guys? कैसे हैं आप सब? और आपको पता है कि भाई डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जब बात आपके फोटोज की हो कि भाई मनाली गए थे, फोटोज हमने खींची थी बट क्रैश हो चुकी है, गायब हो चुकी है, डिलीट कर दिया गलती से, वापस नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो में हम इसी चीज का सोल्यूशन बताने वाले हैं आपको कि कैसे आप अपने फोन का डिलीट हुआ डेटा वापस पा सकते हैं। इवन फोन ही नहीं, अगर आपने SD कार्ड से या फिर पेन ड्राइव से, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से डिलीट हुआ है, तो वो भी चीजें कैसे आप रिकवर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि आप कैसे रिकवर कर सकते हैं अपना डेटा बहुत ही आसानी के साथ। ओके गाइस, तो यहाँ पे आ चुके हैं अपने PC पे, और अगर आपके पास PC लैपटॉप है तो आप उस पर जा सकते हैं, या फिर अगर आप iMac यूज़ करते हैं तो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है iMac का। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू अगर आप आएंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग और डाउनलोड कर लेते हैं, देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ओके, तो यहाँ पे यस आपको करना है और यहाँ पे इंस्टॉल आपको कर लेना है। चूंकि मैंने पहले ही इंस्टॉल किया है तो हम यहाँ पे कट कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, यस ओके। तो यहाँ पे जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ इस तरह का आपको आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और ये जो प्रोग्राम है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, लॉस्ट डेटा रिकवरी है, इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे आप व्हाट्सएप डेटा रिकवरी भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने SD कार्ड या फिर पेन ड्राइव की हेल्प से भी आप डेटा रिकवर कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइव में कोई दिक्कत आ गई है, जैसे आपका हार्ड डिस्क है या फिर आपका SD कार्ड है या फिर इवन आपका पेन ड्राइव है, तो भी आप रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैक करते हैं, यहाँ पे और भी बाकी सारे ऑप्शन है, जैसे आपका क्रैश हो गया है या फिर गूगल अकाउंट से रिकवरी है या फिर कोई आपको सिस्टम इशू फिक्स करना है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने फ़ोन का OS भी अपग्रेड इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अपना पासवर्ड या फिर पैटर्न भूल गए हैं तो भी आप यहाँ से क्लिक करके अपने फ़ोन का पासवर्ड और फिंगरप्रिंट स्कैनर, वो सारी जो डेटा है वो रिमूव कर सकते हैं और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जंक फाइल भी क्लीन करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। फिलहाल हम लोग गाइज यहाँ पे आए हैं डेटा रिकवर करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे डेटा रिकवरी पे, तो यहाँ पे क्विक रिकवरी फ्रॉम डिवाइस, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको फोटो रिकवर करना है या फिर वीडियोस रिकवर करने हैं या फिर जिस टाइप की आपको फाइल्स रिकवर करनी है, आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं और अनटिक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देना है, उसके बाद स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आपको अपना डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगा अपने इस PC के साथ में, तो डेटा केबल के थ्रू आप कनेक्ट करिएगा, हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट हो गया है, अलाउ का ऑप्शन मांग रहा है, अलाउ कर देना है आपको। उसके बाद ये एंड्रॉयड किट आपके फ़ोन में इंस्टॉल करेगा और उसको लॉन्च करेगा, उसके बाद आपको सारी परमिशंस दे देनी है। और यहाँ पे एक जरूरी चीज़ कि आपके फ़ोन की USB डिबगिंग मोड ऑन होनी चाहिए, अगर आपको नहीं मिल रहा ये ऑप्शन तो आप डेवलपर ऑप्शन पहले ऑन करिए, उसके बाद आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आप देखते हैं हमारा फ़ोन सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है, उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना जस्ट, और यहाँ पे आपका सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा। उसके पहले आपको अलाउ करना है अपने फ़ोन में, एक्सेस देना है, फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन जाएगा, उसको एक्सेस देने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं ओके पे, और आप देख सकते हैं जो हमारी फ़ोटोज़ हैं, जो हमारे वीडियोज़ हैं, जो हमने डिलीट करे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे आप एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे अनसेलेक्ट करके आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, तो सारी फ़ोटोज़ आपकी रिकवर हो जाएंगी जो कि आपने डिलीट करी हैं। उसके बाद आप डिवाइस में सीधे फ़ोन में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको अपने PC में लेना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। बेटर ऑप्शन यही कि आप PC में रिकवर करें, बाद में अपने फ़ोन में आप ट्रांसफ़र कर लें। तो यहाँ पे 2 PC करेंगे और यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप सेलेक्ट है वो रहने देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं रिकवर डेटा हो रहा है, और यहाँ पे टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं हम लोग की, फिर भी काफ़ी तेज़ हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिकवरी सक्सेसफुल हो चुकी है और यहाँ पे कंप्लीट आपको क्लिक कर देना है या फिर व्यू फाइल्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो रिकवर हुआ है उसको हमें देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये जो फाइल्स है वो खुल चुकी हैं, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ में जाएंगे तो यहाँ पे कैमरा और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि हमारे फ़ोन से डिलीट हो चुकी थी, वो सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे वापस आ चुकी हैं। इसी तरह से हमने सब कुछ रिकवर कर लिया है, अपने फ़ोन में मैसेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, तो ये भी एक चीज़
काफी बढ़िया है। सो गाइस ये था कंप्लीट वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए और जरूर से चेक करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो हिट दैट लाइक बटन और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।